नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल पहुंच गए हैं। पीएम का हेलीकॉप्टर सुंदरनगर के बीबीएमबी ग्राउंड में लैंड हुआ। यहां से पीएम महाराणा चौक तक सड़क मार्ग से आ रहे हैं। महाराणा चौक से जवाहर पार्क तक प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे। लोग हाथ में फूल लेकर इनका इंतजार कर रहे हैं। पूर्व में उनका रोड शो तय नहीं था, रातों रात इसकी योजना बनी। इससे पहले पीएम मोदी का आज पंजाब के अमृतसर जिले में पहुँच के जहाँ उन्होंने डेरा ब्यास प्रमुख गुरेंद्र सिंह ढिल्लों से मुलाकात। इसके बाद वह डेरे के श्रद्धालुओं से मिले और लंगर का दौरा भी किया। इसके दौरान दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, इसका विवरण नहीं मिल पाया है। हिमाचल में पीएम आज दो रैलियां करेंगे। वह मंडी के सुंदरनगर के जवाहर पार्क में और सोलन के ठोड़ो ग्राउंड में बीजेपी के मिशन रिपीट के लिए मोर्चा संभालेंगे। प्रशासन ने पीएम के दौरे के दृष्टिगत सोलन शहर के स्कूल सुबह 11 बजे से ही बंद करने का निर्णय लिया है। पीएम को सुनने के लिए तीन देशों के राजदूत भी सोलन पहुंचे। वहीं रैली में मंडी संसदीय क्षेत्र की 17 विधानसभा सीटों में 13 के लोग जुटेंगे। सुंदरनगर से जनसभा को संबोधित करने के बाद पीएम सीधे सोलन के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद ट्वीट करके हिमाचल आने की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि वह 5 नवंबर को सुंदरनगर और सोलन में रैलियों को संबोधित करेंगे। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।